मध्य प्रदेश सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा, जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहां पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजी के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर, ये रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के पावर होंगे। सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा। ये भू राजस्व संहिता में जिस तरह से वसूली के अधिकार है, वैसे अधिकार इसे रहेंगे। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा, किसका कितना नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई दोषियों से कराकर उस व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल की होगी। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है और हाई कोर्ट के अंदर इसे लगाना, अपील किसी को चाहता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपील लगा सकता है, लेकिन जो दंगा करके पत्थरबाजी करते हैं, निजी संपत्तियों को नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।